सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव एंड आई एम फ्रॉम IIT हैदराबाद। तो जो स्टूडेंट्स किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं, तो उनके पास तो कोचिंग से मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे क्या दिक्कत होती है कि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जो ये कोचिंग से मटेरियल दिया जा रहा है, क्या ये सफिशियंट होगा। तो ऑफकोर्स हाँ, कोचिंग से जो मटेरियल अवेलेबल किया जाता है वो बिल्कुल सफिशियंट होता है, और कोचिंग करने के दौरान पे कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तुमको कोई एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे मैं मतलब कोई इधर की बुक उधर की बुक ढूंढता था, सोचता था शायद इस कोचिंग मटेरियल से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं दक्षिणा से पढ़ा था, तो उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जो अगर जो आप कोचिंग कर रहे हो और कोचिंग से जो मटेरियल मिला है, तो उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है जेई नीट या बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए। बट बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो उन सब के लिए यही रहेगा कि ऑनलाइन आजकल काफी पढ़ने के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट ध्यान ये रखना है कि यूट्यूब पे आते हैं तो दाएं बाएं की वीडियो नहीं, अपने काम का वीडियो देखा जाए। हाँ, थोड़ा मस्ती के इधर उधर के वीडियो एक दो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा नहीं देखना है। और फिर अब आपके पास कोचिंग का मटेरियल तो होगा नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि फिजिक्स के लिए मैं एक बुक जानता हूँ, फिजिक्स गैलेक्सी करके आती है, वो बुक बहुत अच्छी है जेई नीट या किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए, फिजिक्स में 11th क्लास में और क्लास 11th एंड क्लास 12th में। और क्लास 11th एंड क्लास 12th में अगर जो सबसे अच्छा कोई पब्लिकेशन मतलब जेई और नीट के लिए है, तो वो है सिंगेज पब्लिकेशन। मैं मतलब सिंगेज पब्लिकेशन का यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, या मुझे उससे कुछ मनी नहीं मिल रहा, बट हाँ मैंने उसका बुक देखा है, वो बुक काफ़ी अच्छे हैं 11th और 12th में केमिस्ट्री और मैथ के लिए। फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा फिजिक्स गैलेक्सी वाली बुक। तो बस इतना ही मटेरियल काफ़ी है। तो अगर जो कोई भी सिर्फ इतने मटेरियल से तैयारी करता है 2 साल, क्योंकि धीरे धीरे जब प्रिपरेशन बढ़ती है तो मतलब हम लोगों के पास बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पास टाइम लिमिटेड हो जाता है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट आपके पास जितना है उसको एक बार से ज़्यादा बार कर सकते हो। सबसे बड़ा जो इस प्रिपरेशन के दौरान पे स्टूडेंट्स के साथ होता है, जो मेरे साथ भी हुआ था, मतलब पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए मगर रिवीजन बहुत कम किया। सबसे बड़ा रोल अगर जो कोई चीज इस प्रिपरेशन में निभाता है तो वो होता है रिवीजन। अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हो और उस टाइम तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत आराम से हो जाते हैं उस चैप्टर के, मगर 4 महीने बाद यदि बिना रिवीजन के आप फिर से आते हो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए, तो आपसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइम निकाल कर रिवीजन करते रहना है। और मैं फिर से एक बार इस चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहूँगा कि बहुत बुक्स के चक्कर में नहीं भागना है, बहुत सा मटेरियल के चक्कर में नहीं भागना है कि चलो इस कोचिंग का भी कर लेते हैं, उस कोचिंग का भी कर लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। एक कोचिंग का मटेरियल ही इतना अच्छे से सफिशियंट होता है कि यदि आप किसी एक और सारी कोचिंग का मटेरियल लगभग लगभग सेम ही है, ये नहीं है उस कोचिंग का बहुत अच्छा है, इस कोचिंग का बहुत खराब, नहीं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि एक चीज पकड़ो और मान लो कि मुझे इससे ही सिलेक्शन लेना है, और उसको पूरी तरीके से करो, शिद्दत से बढ़िया से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए जो पढ़ा है, ज्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं भागना है। यदि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जाए तो फिजिक्स में मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11th में आप बेसिक मैथमेटिक्स, जो एक पहला चैप्टर होता है जिसमें छोटा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, फंक्शन, ये सब मतलब वेक्टर्स, ये सब सिखाया जाता है, तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। फिर 11th की फिजिक्स में धीरे 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 बढ़े, मतलब 11th की फिजिक्स बहुत ही आसान लगने लगती है करने में। अगर जो ये बेसिक मैथ नहीं आता है तो 11th क्लास की फिजिक्स सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए वो चैप्टर लगता है कि यार ये क्या है, मतलब इसको क्यों पढ़े, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा क्लास 11th 12th की मैथ मतलब फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। मैथ तो तुम पढ़ते रहोगे, वो बड़े बड़े चैप्टर होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है
बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद में आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ऐसा होता है। देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि मेरा बेसिक मैथ आता नहीं था मुझे, और मैं एनएलएम फ्रिक्शन लगा रहा हूँ, मेरे से हो गया, मैं बहुत पैनिक हो गया था। तो उसमें पैनिक होने से बचना है। अगर वो चैप्टर तुमको नहीं भी आते हैं उस टाइम पे, तो पहले जाके अपना बेसिक मैथ कंप्लीट करो, सारे के सारे एक एक चीज बेसिक मैथ का देखो, 35-36 जितने भी लेक्चर हों, और उसके बाद में चीज़ें को धीरे धीरे स्टार्ट करो। जो पहला बेस्ट चैप्टर स्टार्ट होता है फिजिक्स में क्लास 11 की, वो होता है सेंटर ऑफ मास। बेसिक मैथ के बाद जो सबसे तगड़ा चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है सेंटर ऑफ मास। वहां से अपनी, यदि अगर क्लास 11 की फिजिक्स को मस्त करते चले गए, सेंटर ऑफ मास, उसके बाद में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, फिर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये तुमको पीछे का बेसिक मैथ हो थोड़ा बहुत आता है, तो ये सब चैप्टर तुम्हारे बहुत अच्छे से होते चले जाएंगे। तो ये 3 चैप्टर ये तुमको अच्छे से आ जाते हैं, तो तुम्हारा फिर फिजिक्स में फ्लो बनने लगता है, मजा आने लगता है। तो ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए फिजिक्स को, और इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और यदि केमिस्ट्री में बात किया जाए, तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि GOC 1 से स्टार्ट होती है। GOC 1, GOC मतलब GOC 1, GOC 2, उसके बाद में अपना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा मतलब रोल प्ले करता है ये एडवांस एग्जाम में। तो देखो जेई मेन की बात की जाए, तो जेई मेन में ये तुमने कहीं से पढ़ा है अच्छे से, और उस नोट्स को ही अच्छे से कर लेते हो, मतलब जो नोट्स में सर ने क्वेश्चन कराया है उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और फिर अपने मतलब उन्हीं नोट्स को मतलब अच्छे से फॉर्मूला वगैरह याद कर लो, तो जेई मेन तो तुम्हारा बढ़िया स्कोर हो जाएगा। मगर जे एडवांस जो आता है, तो जे एडवांस में तुमको चाहिए होता है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, तुमको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है या नहीं। मतलब मैक्सिमम बच्चे सब कुछ नहीं कवर कर पाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि सिलेक्टेड टॉपिक उठाओ, उसी को बार बार अच्छे से करो, जिससे कि तुमको वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाए, फिर तुम अपना जे एडवांस में बेसिकली हर सब्जेक्ट में पास 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 हो सकते हो। तुमको फिजिक्स में अलग से पास होना पड़ेगा, केमिस्ट्री में अलग से पास होना पड़ेगा, मैथ में अलग से पास होना पड़ेगा, तो तुम किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो। तुमको इसलिए मैथ में जैसे 25 चैप्टर हैं, तो 25 करने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 चैप्टर उठा लिए, जो जो तुम्हें आते हैं उसमें से तुम्हें एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तुम उसको सॉल्व करके पास हो सकते हो। फिर अपना जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री, किसी का मैथ भी हो सकता है, उसमें तुम जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो तुम उसको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ के जा सकते हो, जो तुम्हारा स्कोर बढ़ा देगा। ठीक है, तो जेईई एडवांस में थोड़ा दिमाग से, दिमाग पढ़ने में भी लगाना है, और दिमाग थोड़ा सा इसमें भी लगाना है कि जे एडवांस निकाला कैसे जाए। तो वो कि थोड़ा बहुत गाइडेंस मिली होगी इस चीज़ से, और अगर जो किसी को जानते हो जो तैयारी कर रहा है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करना। ओके बाय।